तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी को आरएसआईटी एग्जाम से संबंधित बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। और हमारे चैनल पर आपको आरएसआईटी एग्जाम से संबंधित क्लासेज डेली मिलती है, आपको डेली मिल रही है अब। तो आरएसआईटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस से जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, आईटीआर भरने के लिए जिस यूआरएल का पालन करना होगा वह है, आईटीआर भरने के लिए जिस यूआरएल का पालन करना होगा वो है। एक बार दे रखा है HTTP और ये देखो वेबसाइट दे रखे है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। बी पर दे रखा है www.passportindia.gov.in और सी पर दे रखा है www.irctc.co.in और डी पर दे रखा है देखो ये www.indianrail.gov.in। तो देखो किससे संबंधित पूछा है आपसे, यहां पर पूछा है आपसे IRCT से संबंधित, तो सॉरी ITR से संबंधित। किससे संबंधित पूछा है, ITR। तो ITR को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं ITR को, इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो URL का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in का। किसका, ये देखो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, HTTP दे रखा है ये इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन। जबकि पासपोर्ट इंडिया पासपोर्ट से संबंधित है, IRCTC रेलवे टिकट से संबंधित है और इंडियन रेलवे भी रेलवे के से संबंधित है आपकी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in ITR भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की से जो URL है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर दो क्या है, एमएस वर्ड 2010 में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। तो ए पर दे रखा है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पर दे रखा है एल्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पर दे रखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, डी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं और हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो देखो एमएस वर्ड में जो हाइपर लिंक डालते हैं यानी हाइपर लिंक लगाते हैं, तो हाइपर लिंक को खोलते कैसे, तो हाइपर लिंक को खोलने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल कुंजी को दबाए और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यानी अगर हाइपर लिंक एड कर रखा है आपने एमएस वर्ड में, तो उसे खोलने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस के कर्सर को ले जाना है वहां पर, और जैसे हाथ का चिन्ह आता है वहां पर फिर उस पर आपको क्लिक करना पड़ता है, तो हाइपर लिंक ओपन हो जाता है उससे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दो है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीन। देखो क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर में छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। तो ए पर दे रखा है .cmd, बी पर दे रखा है .xls और सी पर दे रखा है .vlc और डी पर दे रखा है .jpeg। तो छवियों को, छवियों का मतलब इमेज फोटो, तो उनको सहेजने के लिए जो फाइल एक्सटेंशन आती है वो आती है .jpeg। कौन सी आती है, .jpeg। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, .jpeg। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध है, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध है। तो ए पर दे रखा है 102, बी पर दे रखा है 191, सी पर दे रखा है 139 और डी पर दे रखा है 911। तो जो IRCTC की सेवाएं होती है किसकी, IRCTC। तो IRCTC की जो सेवाएं होती है वो मिलती है 139, 139 पर, किस पर, 139 पर से भी आप वहां से भी ट्रेन का पता लगा सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो 139 नंबर डायल करके। तो ये IRCTC के फोन नंबर है, SMS सेवाएं आपको यहां से मिलती है 139 से। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 139।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच, तो क्वेश्चन नंबर पांच क्या है देखो, स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है, स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है। तो ए पर दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, सी पर दे रखा है वर्कशीट और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो देखो पूछा क्या है आपसे, स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है, यानी पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन देखो कैसे, ये रो होती है ऐसे और कॉलम आएगा ये यूं खड़ा। अब देखो रो और कॉलम के मिलने से, रो और कॉलम के मिलने से ये जो डिब्बा बना, रो और कॉलम के मिलने से ये जो डिब्बा बना है आपका, ये ऐसी ये ब्लैक बॉर्डर जो बन जाती है आपकी ऐसी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका आंसर हो जाएगा बी सेल, इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल बोला जाता है इसे, रो और कॉलम के मिलने को, प्रतिच्छेदन को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छह, तो क्वेश्चन नंबर छह क्या है, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या डेश डेश दे रखा है से जारी की जाती है। तो ए पर दे रखा है URL, बी पर दे रखा है IP पता, सी पर दे रखा है आधार, डी पर दे रखा है PAN। तो 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या किसमें होती है, आधार में, आधार कार्ड में। तो जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं आपके, किसके, आधार कार्ड के, वो कितने डिजिट के होते हैं, वो होते हैं 12 डिजिट के, 12 अंक 12 डिजिट के। तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, आधार इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा, यानी बायोमेट्रिक भी होता है आपका इसमें, आधार इसमें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात, देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बता सकते हो आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर सात क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई देखो जनरल यूज में लेते हैं अपन सभी वैसे भी, तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। तो ए पर दे रखा है वायरलेस फिडेलिटी, बी पर दे रखा है वायरलेस फैक्ट्री, सी पर दे रखा है वायर फायर, डी पर दे रखा है वायरलेस वर्क स्पाइन। तो वाईफाई को क्या बोलते हैं, किसको, वाईफाई सुना होगा आप सभी ने, यूज में भी लेते हैं। तो वाईफाई को क्या बोलते हैं, तो वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी बोला जाता है वाईफाई को। तो क्वेश्चन नंबर सात का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वायरलेस फिडेलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात का सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का पूरा नाम। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आठ देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं, यानी अनचाहे मेल कहां आते हैं। तो ए पर दे रखा है फ्लोपी मेल, बी पर दे रखा है स्पैम मेल, सी पर दे रखा है रिसीव मेल और डी पर दे रखा है ट्रेस मेल। तो अनचाहे संदेश, अनचाहे संदेश कहां मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको बी स्पैम मेल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं उन्हें, स्पैम मेल बोला जाता है, स्पैम SPAM स्पैम बोलते हैं उसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पैम मेल, अनचाहे संदेश का ईमेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन है, निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन है। तो ए पर दे रखा है ट्विटर, बी ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, ये तो ए पर दे रखा है। बी पर दे रखा है वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग निर्णय इंजन, सी पर दे रखा है गूगल, बिंग, याहू और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। खोज इंजन, खोज इंजन को क्या बोलते हैं अपन, सर्च इंजन, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन, सर्च इंजन।
तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? देखो गूगल, बिंग और याहू। कौन कौन से? गूगल, बिंग और याहू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गूगल, बिंग और याहू, ये आपके सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? किसके माध्यम से? कौन से पोर्टल के माध्यम से? एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो ए पर दे रखा है चुनावी सूची में नाम खोजना, बी पर दे रखा है पैन कार्ड वितरण में अद्यतनीकरण, सी पर दे रखा है नियुक्तियां निर्धारित करना और महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर रखना, और डी पर दे रखा है बुक बस टिकट बुक करना। तो जो एनवीएसपी होता है, तो एनवीएसपी जो होती है आपका पोर्टल, वो काम आता है किसके लिए? चुनावी सूची में नाम खोजना, यानी वोटिंग लिस्ट में अगर आपको अपना नाम ढूंढना है तो कौन सा पोर्टल काम आएगा? एनवीएसपी। कौन सा पोर्टल काम आएगा? एनवीएसपी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चुनावी सूची में नाम खोजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। तो ए पर दे रखा है कोर्टाना, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर और डी पर दे रखा है विंडोज डिफेंडर। तो पूछा क्या है? विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस, यानी विंडोज 10 में जो बिल्ट इन, यानी उसी में जो आता है एंटीवायरस रियल टाइम, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विंडोज डिफेंडर। क्या बोलते हैं? विंडोज डिफेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंडोज डिफेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंडोज डिफेंडर बोलते हैं उसे, रियल टाइम एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या है। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? तो ए पर दे रखा है फाइल प्रीव्यू, बी पर दे रखा है पूर्व प्रिंट, सी पर दे रखा है प्रिंट प्रीव्यू और डी पर दे रखा है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये कैसा दिखेगा जांचने के लिए, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है और उससे पहले ये देखना कि कैसा दिखेगा प्रिंट में, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है? तो उसके लिए जो काम आता है उसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोला जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोला जाता है? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं उसे। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा जांचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पर दे रखा है यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। ए पर दे रखा एस्केप की, बी पर दे रखा है बैक स्पेस कुंजी, सी पर दे रखा एंटर कुंजी और डी पर दे रखा F1 कुंजी। तो पूछा क्या है आपसे? यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त यानी क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? तो उसके लिए दबाते हैं एस्केप की। कौन सी की दबाते? एस्केप की। और इसे क्या बोलते हैं? एस्केप की को, एस्केप की को बोलते हैं ESC। ESC लिखा होता है कीबोर्ड पे, ESC कीबोर्ड में शुरू में होती है पस्ट की, ESC, इसे एस्केप की बोलते हैं। तो इससे आपका जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो रुक जाएगा, समाप्त कर सकते हो, मतलब क्लोज कर सकते हो उसे आप। तो ESC एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ए पर दरका है डिवाइस ड्राइवर, बी पर दरका है एडोब रीडर, सी पर दरका है कोर्टाना, डी पर दरका है विंडोज डिफ्रेगमेंटर। तो PDF फाइलों को देखने के लिए,
जो एप्लीकेशन काम आता है उसे बोलते हैं एडोब रीडर। क्या बोलते हैं? एडोब रीडर, ADOBE, एडोब रीडर बोलते हैं उसे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एडोब रीडर। क्या बोला जाता है उसे? एडोब रीडर बोला जाता है, एडोब रीडर बोला जाता है उसे, जिससे आप पीडीएफ फाइलों को देखते हो, उस प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो ए पर दे रखा है प्रिंटर, बी पर दे रखा है स्कैनर, सी पर दे रखा है स्पीकर और डी पर दे रखा है मॉनिटर। तो इनपुट का पूछा है आपसे, कौन सा डिवाइस पूछा है इनपुट का, और इनपुट आउटपुट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो इनपुट डिवाइस पूछा है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से स्कैनर, क्या है? स्कैनर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, स्कैनर। स्कैनर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनपुट का डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ए सी और डी पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये कौन से आपके आउटपुट के, ये आपके आउटपुट के हैं, और स्कैनर कौन सा है आपका इनपुट का। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है, ब्राउज करने के लिए किया जाता है? तो ए पर दे रखा है ईमेल, बी पर दे रखा है वेब ब्राउजर, सी पर दे रखा है प्रस्तुति जिसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और डी पर दे रखा है डेटाबेस। तो इंटरनेट चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है वेब ब्राउजर। क्या बोला जाता है? वेब ब्राउजर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेब ब्राउजर। क्या हो जाएगा? बी, वेब ब्राउजर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वेब ब्राउजर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बेहद इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। कीबोर्ड पर कुल टंगस्टन कुंजियों की संख्या होती है, कीबोर्ड पर कुल टंगस्टन कुंजियों की संख्या होती है, कीबोर्ड पर कुल टंगस्टन कुंजियों की संख्या होती है। ए पर दे रखा है 10, बी पर दे रखा है 12, सी पर दे रखा है 14 और डी पर दे रखा है 9। तो टंगस्टन की संख्या, तो टंगस्टन की कितनी होती है? टंगस्टन की होती है 12। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 12। और कहां से कहां तक होती है ये देखो, F1 से लेकर ये होती है आपकी F12 तक, F1 से लेकर F12 तक, F12 तक जो बटन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है पंक्शन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। MICR में C का अर्थ है, MICR में C का अर्थ ये पूछा है आपसे। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर दे रखा है कोड, सी पर दे रखा है कलर और डी पर दे रखा है कैरेक्टर। तो MICR में सी का मतलब पूछा है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब होगा कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? सी का मतलब कैरेक्टर। और क्या होते हैं MICR की फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये MICR की फुल फॉर्म होती है। और MICR में सी का मतलब होता है, तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखो। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में यानी कॉम्बिनेशन में किस की का उपयोग किया जाता है? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल की, बी पर दे रखा है स्पेस बार की, और सी पर दे रखा है एरो की, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में, तो कॉम्बिनेशन की होती है कंट्रोल की। कौन सी होती है? कंट्रोल की को दूसरे बटन के साथ दबाते हैं वन।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, बेयर दीजिए, ये भी ओरल एग्जाम में देखने को मिलता है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की यानी न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की, तो ए पर दरका है कंट्रोल प्लस एम, बी पर दरका है कंट्रोल प्लस एन, सी पर दरका है कंट्रोल प्लस एस और डी पर दरका है कंट्रोल प्लस पी। और फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बता दो क्या होगा। चार ऑप्शन है, ए पर कंट्रोल एम दे रखा है, बी पर कंट्रोल प्लस एन दे रखा है, सी पर कंट्रोल प्लस सी दे रखा है, डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस पी। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें से क्या पूछा है, नई स्लाइड का शॉर्टकट पूछा है। तो नई स्लाइड का जो शॉर्टकट होता है पावर पॉइंट में होता है कंट्रोल प्लस एम, क्या होता है कंट्रोल प्लस एम, इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो ये देखो मैंने आज आप सभी को 20 ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए हैं जो आपको आने वाला एग्जाम है आरएससीईटी का उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाया है मैंने आपके आने वाले आरएससीईटी एग्जाम के लिए। तो आपको ऐसी डेली क्लासेज हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आरएससीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम आने वाला है, तो उन सभी से हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो सभी भी इसका फायदा उठा पाए और सबकी बेदेची तैयारी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाने की कोशिश रहेगी मेरी इन वीडियोस की मदद से। थैंक यू फ्रेंड्स।